राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। अगर आपको रातों रात आपके बैंक खाते में करोड़पति बना दिया जाए, तो करोड़ों रुपए आपके खाते में आ जाए, तो आप चकित हो सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब सारे काम दुनिया में ऑनलाइन हो चुके हैं। जैसे एजुकेशन ऑनलाइन है, नौकरियां ऑनलाइन है, बहुत सारे काम काज ऑनलाइन हो चुके हैं, तब साइबर अपराध भी ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए साइबर अपराध ने भी अपनी अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाने के तरीके, या साइबर अपराध में आपको मैंने पहले बताया था, एक ने कहा था कि फ्रॉड सेना में काम करते हैं, यानी वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को झांसा देते हैं और उन्हें नए नए तरीके से, एक आज चौंकाने वाला तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, नए नए तरीके अपनाते हैं कि किस तरह से पैसे लेके दूसरे के खाते में डालते हैं, वो खुद के खाते में भी नहीं डालते हैं। ऐसा ही हाल, एक खबर आज राजस्थान की पत्रिका में छपी है, बलिया से, बलिया यूपी के अंदर आया हुआ जिला, उसके अंदर एक लड़की 16 साल की, सरोज नाम की लड़की है, उसको फोन किया गया कि आपको पीएम आवास दिया जा रहा है, उसके लिए आपके आधार कॉपी की जरूरत है। और उस लड़की ने आधार कॉपी, फोटो, जो मांगे गए दस्तावेज दे दिए गए। पर आप ये गलती कभी नहीं करें, कोई भी पीएम आवास, कोई भी सुविधाएं आपको ऑनलाइन फ्री में नहीं दी जाती है, अगर कोई देता है तो सब गलत है। इसके लिए सारा सिस्टम बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके पंचायत स्तर या जो अलग भाषाओं में यूपी वगैरह में पंचायत न कह के वहां पे जनपद बोला जाता है, तो उस वहां पे ग्राम सेवक जो होता है, आजकल उनके भी नाम हो सकता है सरकारें बदल देती है, ग्राम सेवक जो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं, वो लोग ये सुविधाएं आपके लिए करेंगे। आपके पंचायत के स्तर पर जो वार्ड पंच होते हैं उनकी देखरेख में या उनकी अनुमति भी होती है, जांच का एक विषय होता है, तो पंचायत सरकार जो भी काम करती है तो जनहित में सबको देख के काम करती है। इस सब से आप कहीं पे भी ऑनलाइन ऐसे आवेदनों में नहीं फंसे। हुआ क्या, उस सरोज लड़की के आवेदन में उसे ये बताया गया कि आपके पीएम आवास अलॉट हुआ है, उसके लिए आपको कागजात देने होंगे। तो उस लड़की ने जो मांगे गए दस्तावेज दिए, उसके बैंक अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट खुल गया और उसको एटीएम कार्ड भी भेज दिया गया। ऐसी बहुत सारी बैंक है क्या करती है, आजकल घर बैठे आपके अकाउंट खोल देती है। तो ये सुविधाएं जो बैंक दे रही है, उस सुविधाओं का ये लुटेरे इस प्रकार से उपयोग ले लेते हैं, फॉर्म भर के दे के उन्हें एड्रेस वगैरह सारा वो दे दिया जाता है, जिससे खाता खुल जाता है और उस प्रार्थी के पास वो एटीएम पहुंच जाता है, उनके पिन नंबर भी वो मांग लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे इस पिन से किस प्रकार से उसका उपयोग करेगा। तो उस सरोज जो लड़की 16 साल की, उसे पता भी नहीं है, सिर्फ दस्तखत करना जानती है। उस लड़की से उन्होंने पेटीएम के पिन नंबर और पेटीएम के नंबर ले लिए, उसके बाद में वो लेन देन काफी किया, बैंक कर्मचारी ने बताए। पर जब उसे पता चला कि उसको बैंक अकाउंट में रातों रात 10 करोड़ रुपए आए हैं, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया, बैंक को सूचित किया, बैंक से पुलिस ने उस खाते पर ब्लॉक कर दिया कि लेन देन नहीं किया जाएगा, वो आगे उनके जांच का विषय है। पर आपको ये समझना यहाँ जरूरी है, किसी भी प्रकार से अगर आपके ऑनलाइन बैंक खाता है या ऑनलाइन आपसे कोई भी दस्तावेज मांगे जाते हैं, बैंक के हो या किसी भी प्रकार से, आप ऐसी फ्रॉड सेना के चक्कर में नहीं आए। ऐसा कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल या उसकी जो एटीएम, उसके पिन नंबर, एटीएम नंबर आपसे मांगे जाते हैं, नहीं मांगे जाते हैं, कहीं पे भी नहीं मांगे जाते हैं। कृपया आप अपने पॉकेट को बचाएं। ये क्या करते हैं, खाता धारकों से कहीं पे भी किसी भी खाता धारक को कह देंगे कि
आपके पास में वो नंबर आए हैं, मेरा ये दीजिए, हेल्प दीजिए, ये सब झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। आप किसी भी झांसे में कोई भी हेल्प देने की आपको जरूरत नहीं है। आपका खुद का अगर अकाउंट है तो आप खुद ही मेंटेन करें, किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आप ना आए, ना लालच में पड़े। वो आपके खाते में अभी पैसे डलवा के वापस निकलवा लेते हैं कि मेरे भैया के पैसे आए थे, आप मुझे वापस निकलवा के दे दीजिए। बिल्कुल गलत नहीं करें ऐसा, कभी भी चक्कर में ना आए। आप इस प्रकार से लोगों को जागरूक करें, दूसरों को बताएं, जो कोई भी कॉल या फोन आपको या ईमेल अगर इसी प्रकार से आता है तो आप उस पर विश्वास नहीं करें, उन्हें तुरंत डिलीट करें या ब्लॉक करें, सबसे बेस्ट तरीका है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।